हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, तबस्सुम जायका में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं फिर हाजिर हो गई एक नई रेसिपी के साथ। जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं बहुत जल्दी बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेकर आऊंगी, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मक्के की रोटी और सरसों का साग। तो चले शुरू कर। सरसों का साग बनाने के लिए सबसे पहले हमको सरसों चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें आधा किलो सरसों है जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है, और इसमें डेढ़ पाव पालक है उसको भी हमने इसमें काट लिया, और एक पाव बथुआ का साग है। तीनों साग को एक साथ काट के हमने बहुत अच्छे से धो लिया है, इसको साफ कर लिया है तीन चार पानी में खूब डुबो डुबो के, बड़े से बर्तन में डिप कर करके हमने साफ कर लिया है। अब हम अपने कुकर में जाते हैं साग को डालने। ये देखने में बहुत ज़्यादा लगती हैं लेकिन बहुत जल्दी ये बहुत कम हो जाएंगी। थोड़ी सबसे पहले मैं इसमें डालने जा रही हूँ, पानी को शामिल करने जा रही हूँ, एक कप ये पानी है। मेरा इलेक्ट्रॉनिक कुकर है, इसमें पानी थोड़े से पानी में हो जाता है, तो मैंने एक कप पानी इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें दूसरी इंग्रेडिएंट डालने जा रही हूँ, मेरा एक चम्मच नमक है क्योंकि ये अभी कम हो जाएंगी। दूसरा इंग्रेडिएंट एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये भी इसमें चला गया। हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स हैं, ये भी इसमें चली गई। पांच छोटी छोटी हरी मिर्चें हैं, ये खड़ी हैं आप देख सकते हैं, ये भी इसमें सब चली गई। अब हम इसमें सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें तीन सीटी लगाएंगे, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। एक किलो का मक्के का आटा है जिसमें मैंने आधा ले लिया, यानी कि 500 ग्राम मैंने अपने बाउल में डाल लिया है। अब मैं इसमें दूसरी इंग्रेडिएंट शामिल करने जा रही हूँ, ये है हाफ टी स्पून नमक, 1 पिंच अजवाइन, 1 पिंच मंगरेला जो मैंने इसमें शामिल कर लिया, और हल्का सा इसको मिक्स करेंगे सूखे में ही। अब अंडा नाराज हो रहा है कि मुझे क्यों नहीं शामिल कर रही हैं। अरे भाई, मैं आपको भी शामिल करने जा रही हूँ, ज़रा सा सब्र तो करें। ठीक है, एक अंडे को मैंने इसमें शामिल कर लिया। अब इसको भी हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे अंडों के साथ। अब इसी में फौरन ही हम इसको जा रहे हैं, ये है दूध जो इसको हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। हल्का सा ये गुनगुना है, ठीक है। अब बहुत अच्छे से मिक्स करके फिर आपको दिखाते हैं। अब इसमें हमको और दूध की जरूरत अभी है, तो हम और शामिल करेंगे, दूध को डालते जाएंगे मिक्स करते जाएंगे, दूध को डालते जाएंगे मिक्स करते जाएंगे, बहुत अच्छे से मिक्स करना है। आटे को मैंने दूध के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया, सारी चीजें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब आप लोग देख सकते हैं ऐसे ही इसको करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब अपने कुकर को हम खोलते हैं और साग को देखते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं इसमें अभी थोड़ा सा पानी है, तो इसको हमको थोड़ा सा और खुश्क करना है। थोड़ा सा पानी जब इसमें कम हो जाएगा तो इसी में हम इसको ब्लेंड कर देंगे। पहले मैंने अपनी कढ़ाई को रख दिया है और इसमें 3 टेबल स्पून सरसों का तेल डाल दिया है मैंने। तेल सरसों का अच्छे से गर्म होना चाहिए, इसमें से धुआं निकलने लगा है। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ 1 पिंच हींग, ये चली गई।
अब इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट जा रहा है 1 टीस्पून खड़ा जीरा, ये भी इसमें चला गया। इसमें जा रही है 1 खड़ी लाल मिर्चें, ये भी इसमें चली गई। अब इसको हमको हल्का सा सौते करना है। अपनी टेम्परेचर को हमने थोड़ी से मीडियम हाई किया है। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ 1 प्याज जो मीडियम साइज की है, लंबी लंबी कटी हुई है। अब हम अपनी टेम्परेचर को हाई कर देंगे। प्याज को हाई टेम्परेचर पे हमको फ्राई करना है पिंक कलर तक होने तक। उधर मेरी प्याज हो रही है, इधर मैं पालक को ब्लेंड करने जा रही हूँ इसी में। मेरी पालक बहुत अच्छे से हो, मेरी प्याज लाइट ब्राउन कलर की हो चुकी है, अब आप लोग देख सकते हैं। अब मैं उसमें जा रही हूँ कुछ स्पाइसेस डालने। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1/2 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्ची है, ये सब इसमें चली गई। 1/2 टीस्पून गरम मसाला है, ये भी इसमें चला गया। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1/2 टीस्पून नमक है और 1/2 टीस्पून चाट का मसाला है, क्योंकि नमक मैंने पालक में भी डाला है तो नमक ज़रा ध्यान से डालना है, ठीक है। अब इसी में पौरनी हम डालने जा रहे हैं अपने 2 टमाटर जो चॉप चॉप कटे हुए हैं। अपनी टेम्परेचर को इस पर स्लो ही रखना है। खतरनाक खुशबुएं आने लगी, मैं बता रही हूँ। अब इसको हमको 2 मिनट तक के लिए कवर करके रखना है। तो हम इसको 2 मिनट तक के लिए मैंने कवर किया, अब हम आपसे मिलते हैं 2-3 मिनट बाद। अब हम चल के देखते हैं टमाटरों का क्या हाल है। माशाल्लाह बहुत अच्छे से भुनभुना गई हैं। अब हमको अपनी टेम्परेचर को थोड़ी सी हाई करनी है, मीडियम हाई। टमाटर को बहुत ज़्यादा इसमें गलाना नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी जब इसमें दिखती है साथ में आती है मुँह में तो अच्छी लगती है। आप लोग अगर ज़्यादा गलाना चाहते हैं तो और गला दीजिएगा, थोड़ा सा 1-2 चम्मच पानी डाल के भी गला सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसी ही पसंद है। अब मैं इसमें अपनी जो पालक को मैंने ब्लेंड किया वो डालने जा रही हूँ। अब हमको बहुत अच्छे से भूनना है। इसको जब तक भूनना जब तक इसमें ऑयल रिलीज ना हो जाए। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ देसी घी 1 टेबल स्पून भर के, बिल्कुल। बाद में मैं इसमें मक्खन डालूंगी। इसकी भुनाई अच्छे से करनी है ताकि इसमें किसी तरह की कोई साग की स्मेल ना रहे। देसी घी डालने के बाद बहुत अच्छे से इसको भूनना है। सरसों की साग, पालक, बथुआ जो मैंने बनाया भी है बहुत अच्छे से पक गया है, इसमें ऑयल भी रिलीज होने लगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये मेरा बिल्कुल रेडी हो गया, बहुत शानदार खुशबू आ रही है, माशाल्लाह। मैंने अपनी पैन को रख दिया है और इसमें मैं डालने जा रही हूँ देसी घी और इसको मैं अपने पूरे पैन में ग्रीस कर दूँगी चारों तरफ बहुत अच्छे से। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ
देख सकते हैं इसको एक तरफ से 2 मिनट तक पकाना है, फिर इसको जब हम अपनी साइडों को चेंज करेंगे तो आपको हम दिखाएंगे। अब मैं जा रही हूँ अपनी साइडों को चेंज करने, इधर भी 1 मिनट तक वो अच्छे से बनाना है आपको। इसको आप मक्के की पैनकेक भी कह सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी, जो बच्चे नहीं खाना चाहते वो भी मांग मांग कर खाएंगे। मक्के की रोटी सरसों का साग, मक्के की रोटी सरसों का साग। मेरा दूसरी तरफ से भी ये पैनकेक हो गया है, अब आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, माशाल्लाह खुशबुएं खतरनाक आ रही है। दूसरा भी हम इसी तरह से कर लेंगे, पहले मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला। चौथा वाला भी तैयार हो गया है, मैंने इसे डिश आउट कर दिया है। अब मैं इसे बटर के साथ डेकोरेट कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था हेल्दी रेसिपी के लिए, तो वो मैंने बना दी। ये आप देख सकते हैं सरसों का साग जो बहुत ही टेस्टी है, और ये मक्के की रोटी बिल्कुल पैन केक की तरह लाजवाब कॉम्बिनेशन है। तो मैंने इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए इतनी बढ़िया डिश बना दी। आप लोगों को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बनता है, ठीक है? तो चले जाएं भाई मेरे स्टाइल के, आप सरसों के साग मक्के की रोटी बनाएं, खाएं, खिलाएं, इंजॉय करें। दुआओं में मुझे याद रखें, मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।